16 साल की उम्र में वेट्रेस का काम करती थी नोरा फतेही। बताया कितना मुश्किल है ये काम, उन्होंने कुछ राज भी खोले हैं। एक्ट्रेस और डांसर नोरा फतेही पॉपुलर कुकिंग रियलिटी शो स्टार वर्सेस फूड में नजर आई। यहाँ नोरा फतेही ने अपने करियर से जुड़ा एक बड़ा खुलासा किया। नोरा ने बताया कि एक वक्त ऐसा था जब वो वेट्रेस का काम करती थी। नोरा फतेही ने बताया कि जब वो टीनेजर थी तब कनाडा में वेट्रेस का काम किया करती थी। नोरा ने इस काम को बेहद चैलेंजिंग बताया। एक्ट्रेस कहती हैं कि उन्होंने 16 की उम्र से 18 साल तक वेट्रेस का काम किया था। नोरा ने कहा, वेट्रेस होना काफ़ी मुश्किल है, इसके लिए आपको तेज़ होना चाहिए, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनैलिटी, अच्छी मेमोरी का होना बेहद ज़रूरी है। कभी कभी कस्टमर मतलब भी हो सकता है, ऐसे में आपको उस सिचुएशन को संभालना आना चाहिए। लेकिन हाँ, ये पार्ट टाइम काम था जिससे मैं पैसा कमा रही थी। मेरे ख्याल से कनाडा का ये कल्चर है, वहाँ हर किसी के पास काम है, आप स्कूल जाते हो उसी दौरान आप काम भी करते हो। नोरा अपनी फिटनेस के लिए जानी जाती हैं। शो में नोरा ने खुद को शेप में रखने का सीक्रेट भी बताया। वो कहती हैं, मैं ऐसे कल्चर से आई हूँ जहाँ स्किनी होना अच्छा नहीं माना जाता। फीमेल बॉडी में कर्व और थिकनेस पसंद की जाती है, मेरे लिए मैं हमेशा थिक और कर्वी होने की कोशिश करती हूँ, वजन बढ़ाना चाहती हूँ, यह हमारी कल्चरल मेंटेलिटी है, इसीलिए हम लगातार खा रहे हैं। नोरा के वर्क फ्रेंड की बात करें तो वो सत्यमेव जयते 2 में स्पेशल डांस नंबर करते नजर आएंगी। इसके पहले पार्ट में भी नोरा ने दिलवर गाने को रिक्रिएट कर धमाल मचाया था। इस गाने में नोरा की पॉपुलैरिटी में इजाफा किया था।